हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन हो गया है। अभी मैं आई हूँ नीचे पढ़ाई करने के लिए अपने स्टडी एरिया में। शायद आपको अभी लाइक रिसेंट जो ब्लॉग्स है वो बहुत छोटे लग रहे होंगे शायद, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिन तो अभी रिविजन में ही जा रहा है। बट मैं एवरीडे जो सारी चीज़ें कर रही हूँ वो आपसे शेयर ज़रूर कर रही हूँ। बट फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों की न्यू टर्म चल रही है बट मेरी अभी एग्जाम चल रही है, तो एग्ज़ाम आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, लाइक एग्ज़ाम का रिवीजन और वो सब देखना आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो जाए। बट यस फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जैसे ही ओवर होती है ना, लाइक अप्रैल एंड तक एग्ज़ाम ओवर हो जाएगी, तो जैसे ही ओवर होती है ना उसके बाद इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं करने वाली हूँ। एंड लाइक ऑलरेडी जो चैलेंजेस आपने बुक करवा के रखी है वो पहले मैं करने वाली हूँ। एंड और भी कुछ डिफरेंट सरप्राइजेस भी है, तो वो सब भी आपको पता चलने वाला है बट एक बार एग्जाम्स फिनिश हो जाए। अब चलिए, बातें तो बहुत हो गई, मैं भी करने बैठती हूँ पढ़ाई लाइक रिविजन। एंड मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्टली लंच के टाइम पे। फ्रेंड्स, अभी मेरा मॉर्निंग का जितना टारगेट स्टडी था उतना हो गया है, लाइक जितना मुझे करना था रिवाइज इतना। एंड अभी जाते हैं लंच करने। सो ये है आज का हमारा लंच, रोटी, राइस, कढ़ी, आमरस, होममेड बटर मिल्क एंड चने। तो अभी लंच तो हो गया है। एंड अभी मैं क्या कर रही थी कि ये जो मेरा कवर्ड है ना, उसमें सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने सारे ड्राइंग्स रखे हैं एंड सारे पेंटिंग्स, लाइक अभी तक जो मैंने सारे किए हैं ना ऑलमोस्ट सभी है, तो वो सब रखे हैं मैंने। मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मैंने सोचा फिर से एक बार निकाल के देखते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड आप लोगों में से बहुत से लोग ने कहा है ना कि लाइक मैं अपने पुराने ड्राइंग्स भी दिखाऊँ। रिसेंट वाले तो आप लोगों ने देखे होंगे ब्लॉग्स में, लेकिन पुराने, बहुत पुराने भी ड्राइंग्स मैं आपको दिखाऊँ, तो चलिए आज मैं आपको वो दिखाती हूँ। एंड यस फ्रेंड्स, कुछ ड्राइंग्स देख के ना आप एक्चुअली हंसना मत, क्योंकि बहुत पहले किए हुए होते हैं ना, लाइक मैं बहुत छोटी थी तब तो इतना अच्छे से मुझे ड्राइंग करना आता नहीं था, तो मैंने जब लाइक मैं जिस तरह से कर पाती थी वैसे मैंने किए थे। क्योंकि आपको तो पता है ना कि मुझे सारी चीज़ें इस टाइप से अपने कलेक्शन में रख के रखना बहुत ही अच्छा लगता है, तो बस मैंने सब रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये जब मैं बहुत ही छोटी थी ना तब क्या है। देन ये मैंने कुछ ऐसी सीरीज की थी, कोई बुक होती है ना ऐसे कलरिंग वाली, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैंने उसमें से ऐसे ड्रॉ किया था। फिर ये मैंने वो स्टिकर्स आते हैं और वॉशी टेप्स होती है ना, उनको डेकोरेट करके ये रिया लिखा था। ये तो मेरा लाइक पेंटिंग है, ये भी वो उस वाली सीरीज में से ही है, मैंने आपको कहा था ना ऐसी मैंने कुछ कुछ की थी। वाओ सिंड्रेला, एक्चुअली सिंड्रेला वाली मेरी बेडशीट थी पहले, तो मैंने उसी में से देख के ये किया। देन ये फ्रॉक एंड स्कर्ट कलेक्शन है, इस टाइप से बहुत सारे आउटफिट्स ड्रॉ किए हैं एंड एक्सेसरीज भी की है। ये है मेरा ड्रीम होम, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ये इस स्टेप से किया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये वो मैंने इस स्टेप से, मैंने आपको कहा था ना, तो इसमें कलरिंग करना बाकी है बट इस टाइप से मैंने इसमें कलरिंग कर लिया है। एंड ये देखिए कि किस टाइप से फेस ड्रॉ किया है मैंने, और कुछ ये भी है इस टाइप से। एंड वाओ किटी, तो ये ना मैंने हैप्पी दिवाली का बनाया था, क्रैकर्स एंड बिल्डिंग्स वगैरह। फिर ये हम स्कूल जा रहे हैं उस टाइप से, डिफरेंट ना बटरफ्लाइज मैंने किए थे लाइक ग्रेडियंट इफेक्ट वाले। ये ना एसेसरीज का है, लाइक ज्वेलरी शॉप मैंने बनाई थी कि ये कितने रुपीस का है एंड दैट ऑल। एंड ये वाला भी मैंने हाउस किया था, लाइक A4 साइज के पेज में मैं बड़ा वाला करती हूँ ना, तो उसमें ऐसा हाउस भी किया था। एंड ये ना एक एसेसरीज वाला, उसमें स्टेपल करना रह गया है। जस्ट ऐसे मैंने वॉशी टेप से आई थिंक डिजाइन बनाई थी एंड ग्लिटर पेन से। हाँ सो ये ना मैं फ्लावर एक्चुअली करने गई थी, मुझे याद है, बट मेरे से ना फिर अच्छे से हुआ नहीं था तो मैंने फिर छोड़ दिया था। वाओ ये एक्चुअली स्केच पेन्स आई थी ना, तो उसमें ये ड्रॉ किया हुआ था, तो मैंने ट्राई किया कि मैं सेम टू सेम करूँ। देन ये भी एक अच्छा वाला है ना, क्यूट सा। ओके सो ये मैंने 3D में रिया लिखा है। तो ये वाली मेरी जो प्रिंसेस वाली बेडशीट थी ना, तो मैंने उसमें से ये प्रिंसेस ड्रॉ की थी। ये भी एक पेंटिंग है, तो एक्चुअली ना मुझे ये वाला पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बहुत छोटी थी तब नहीं किया था, ये तो आई थिंक रिसेंटली लॉकडाउन में मैंने किया था। एंड ये अगेन ज्वेलरी, देन द पो।
ये मैंने ना वो ऑयल पेस्टल से किया था, तो मैंने वो जो फ्लावर वाली प्रैक्टिस की थी ना वो फिर दूसरे टाइम भी किया था, तो वो इसमें मैंने किया विथ लीव्स। तो जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा तो कुछ परफेक्शन से या फिर आइडिया नहीं रहता था कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँगी, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की हेल्प लेती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर है, कभी नहीं न्यूज़पेपर में प्रिंट हो के आता है। फिर पहले ना मम्मा मेरे लिए कुछ गूगल में से डाउनलोड करके रखते थे पेंटिंग्स के इमेजेस, कि मम्मा को लगता था कि हाँ ये मुझे अच्छे लगेंगे ड्राइंग करने, एंड वो भी मैं ऐसे करती जाती थी। तेरे कुछ और भी पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स हैं? ये मॉर्निंग का, फिर इस टाइप से आफ्टरनून का, फिर गोइंग टू स्कूल, देन कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एंड ये सब फिर नाइट का। तो ये भी बहुत अच्छे से मैंने बनाया था। एंड ये एकदम ही एक सिंपल वाला पेंटिंग है। अब आते हैं ये पेंटिंग्स। तो ये ना लॉकडाउन में एंड उससे एक आध दो ईयर पहले, लाइक रिसेंट वाले ही है। तो यहाँ पर ना कुछ कुछ ड्राइंग्स पे आप नीचे रिया लिखा हुआ देखेंगे, जैसे कि इसमें एंड कुछ और ड्राइंग्स में भी, आई मीन पेंटिंग्स में। वो ना पहले जब स्कूल में एग्जीबिशन वगैरह होता था तो मैं उसमें सबमिट करती थी ना, तो उसके लिए लाइक कौन सा मेरा वाला ड्राइंग है वो मर्ज ना हो जाए दूसरे वाले ड्राइंग्स से, तो इसलिए मैं ना नीचे रिया लिखती थी, ताकि जब फिर हमें फिर से कलेक्ट करना हो तो हमें पता चले कि हाँ ये सब हमारे ड्राइंग्स हैं। ये ना एक बुक है, तो उसमें ही मैंने ऐसे रैंडमली कुछ कुछ किए हैं ड्राइंग्स। फिर आती है ये बुक, इसमें ना मैंने किए हैं सारे वो शेडिंग वाले जो स्केचेस होते हैं।
कितने किए थे, और हाँ ये भी किया था बड़ी वाली स्पाइरल बुक। इसमें तो लाइक आपको पता ही होगा, इस टाइप से मैं जब पेंटिंग की प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो तब किए थे। एंड ये अभी मैंने रिसेंटली किया ना वो है। तो ये था मेरे सारे के सारे ड्राइंग्स का कलेक्शन। तो एक्चुअली आप लोग बहुत टाइम से बता रहे थे ना कि इस टाइप से मैं आपको ड्राइंग कलेक्शन बताऊं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ इस ब्लॉग में कुछ उस ब्लॉग में सब एक साथ बताऊं, तो आज मैंने वही सब एक साथ आपको बता दिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से अच्छा कौन सा लगा। आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होगा इन सब में से चूज़ करने का क्योंकि बहुत सारे हैं, बट आपको कोई पर्टिकुलर अच्छा लगा हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप मुझे ना कमेंट करके ये भी बताना कि आपका हॉबी क्या है, लाइक आपका हॉबी पेंटिंग है या फिर कुछ और है, तो मुझे भी आपकी हॉबीज़ जानने को मिलेंगे। एंड मेरे हॉबीज़ तो आपको पता ही है, मेरे तो हॉबी में पेंटिंग भी है तो वो भी आपको पता है। एंड अगर आप शेयर करना चाहें तो ये भी शेयर कर सकते हैं कि लाइक आप कौन सा पेंटिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं करने के लिए, लाइक वाटर कलर का, पोस्टर कलर का, ऑयल पेस्टल्स का, या फिर कोई क्रियंस का, या फिर पेंसिल कलर्स का, या फिर शेडिंग टाइप का ड्राइंग, वो भी मुझे बताना। सो बस अब ये सब जो मैंने बाहर निकाला है ना उस सबको मैं मुझे फोल्डर में फिर से भरना पड़ेगा। एंड ये जो सारी ड्राइंग बुक्स है ना वो मैं रखती हूँ साइड टेबल में, तो वो भी मैं रख देती हूँ। बस उसके बाद एज यूजुअल मैं करूँगी अब रिविजन, तो मैं मोस्टली यहाँ पर ही रिविजन करती हूँ आफ्टरनून को। तो मैं बुक्स यहाँ पर लेके आऊँगी नीचे से एंड रिवाइज करूँगी। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।